नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। व्याघ्र योनि यानी कि बाघ की योनि में जन्मे हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनमें गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, व्याघ्र योनि में जिसका भी जन्म होता है, वो स्त्री हो या पुरुष, फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, किसी के अधीन रहना इनको पसंद नहीं होता, खुले विचारों वाले होते हैं, सबसे हंसना, मिलना, बोलना, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ अपने बलबूते पर प्राप्त करते हैं। इनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, यह अपनी हिम्मत पर, अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और धनवान बनते हैं। एक गुण कहें या अवगुण कहें, यह ऐसे लोग होते हैं जिनका व्याघ्र योनि होती है, बाघ की योनि, कि यदि कोई इनकी थोड़ी सी भी तारीफ कर दे तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर बुराई कर दे तो क्रोधित हो जाते हैं। वैसे ये अपने मुंह भी कभी कभी अपनी तारीफ करते नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? क्योंकि वास्तव में व्याघ्र योनि में जन्मे हुए स्त्री पुरुष में इतने गुण होते हैं कि लोग तो इनके गुणों की चर्चा करते ही करते हैं, साथ में यह भी अपने गुणों को, अपने स्वभाव को या अपने बारे में, अपने आत्मकथ के बारे में लोगों को बताने की उत्सुकता रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार। बहुत